जिस स्पीकर के मैंने बनाने की बात की उसके लिए आपको क्या क्या इक्विपमेंट या फिर क्या क्या सामान चाहिए ये यहाँ पे लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे है जो अपना ऑडियो जैक पिन है, ये आपको कहीं से भी ईयरफोन वगैरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपको यूएसबी जो है यूएसबी का अपने को कट पीस चाहिए, और तीसरा आपको ब्लूटूथ साउंड किट चाहिए, और चौथा आपको एक साउंड किट चाहिए छोटा सा, ये करीब 400 रुपये के ट्रैक्स हो आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, जाके ले सकते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं भी। ऑनलाइन थोड़ा महंगा मिलेगा, ऑफलाइन लीजिए सस्ते में आप ले सकते हैं। और पांचवें नंबर पे आप एक स्पीकर ले लीजिए, और एक लकड़ी का कोई भी स्क्वायर साइज़ का टुकड़ा ले लीजिए, जिसकी मदद से आप उस स्पीकर को और उस सिस्टम को उसके अंदर सेट कर ले। मैं आपको पेपर वर्क में बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको लेना है ये स्पीकर मॉड्यूल है एक, ठीक है, और ये सेकंड है आपका ब्लूटूथ मॉड्यूल। ओके, स्पीकर मॉड्यूल, ब्लूटूथ मॉड्यूल, सेम उसी टाइप से मैंने इसमें ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करेंगे उसमें सिर्फ मैंने कंपोनेंट वगैरह ड्रॉ नहीं किए हैं, सिर्फ सर्किट में जो केबल कनेक्शन होते हैं सिर्फ उसका डायग्राम बना लिया है। तो यहाँ देख सकते हैं आप मॉड्यूल में आपको एक साइड पे 5 वोल्ट का प्लस माइनस का 2 सिंबल दिख रहा होगा, और एक साइड पे LTR मतलब कि लेफ्ट कॉमन राइट, लेफ्ट का स्पीकर का ये वायर है, ये राइट स्पीकर का वायर है। और यहाँ पे जो है लेफ्ट स्पीकर का ये आपको दिख रहा होगा प्लस माइनस में, लेफ्ट स्पीकर का है, ये राइट स्पीकर का, ठीक है। यहाँ इनपुट होगा, यहाँ से आउटपुट होगा, ओके, इतना आप समझ लीजिए। ये मॉड्यूल है, यहाँ पावर देना है अपने को, और ये अपना लेफ्ट वायर और राइट वायर इनपुट है, और ये अपना लेफ्ट वायर राइट वायर आउटपुट है, ओके। और सेकंड ये अपना जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है, इससे आपको करना क्या है, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप 5 वोल्ट का जो पावर का कनेक्शन है, यहाँ से आप डायरेक्ट पावर दे सकते हैं, यहाँ से इस वाले के मॉड्यूल से इस वाले को आपको डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है। आप इस साइड पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले आपको करना है LTR लेफ्ट कॉमन राइट, ओके, दोनों इक्वल है, तो इसका जो लेफ्ट राइट और ये कॉमन है, ये तीनों केबल को इस तीनों से पहले जोड़ देना है। फर्स्ट सबसे पहले इसको इससे जोड़ देना है तीनों को, मैं सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ, ताकि आप इस पे आया है सेम इसमें भी वही वोल्ट जाएगा, ताकि दोनों को अच्छे से पावर मिल पाए। जो यहाँ 5 वोल्ट का ये USB के थ्रू जो 5 वोल्ट का पावर आएगा, रेड वाला आपका प्लस वाला वायर है और ब्लैक वाला आपका माइनस वाला वायर है। ये दोनों वायर यहाँ पे सिंबल आपको दिख रहे हैं, इस दोनों पे आपको ऐसे कनेक्ट कर देना है, दिखा देता हूँ आपको, रेड वाला डायरेक्ट यहाँ के कनेक्ट हो जाएगा और ब्लैक वाला यहाँ आगे कनेक्ट हो जाएगा, और यही दोनों पावर को अपन रिटर्न कर देंगे यहाँ पे। ओके, अब दोनों को पावर मिल पा रहा है, दोनों को पावर मिल गया। पावर मिलने के बाद आपको अब साउंड का जो पावर सोर्स है वो भेजना है आपको। ये दोनों का पहले तो पावर का कनेक्शन हो गया, दोनों मॉड्यूल चालू हो गए, ओके, यहाँ से पावर देंगे दोनों मॉड्यूल चालू हो जाएगा। अब बट इसके बाद अपन स्पीकर का वो करते हैं, LTR दोनों इक्वल था, तो LTR ये दोनों हैं, ये दोनों के पावर अपन यहाँ से इसको कनेक्ट कर देंगे, आप वीडियो को पॉज करके ध्यान से देख सकते हैं और बना सकते हैं। यह आपने कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्ट करने के बाद आपको कुछ क्या करना है मैं बताता हूँ। यहाँ पे से जैसे आपने ये LTR को कनेक्ट किया, ये दोनों को सेम कनेक्ट तो कर दिया, बट यहाँ से आपको तीनों वायर को अलग से निकाल लेना होगा, ठीक है। आपने मॉड्यूल के साथ तो कनेक्ट कर दिया, बस तीन वायर को अलग से निकालना होगा, जो कि आप एक ऑडियो जैक से कनेक्ट करेंगे, ओके। ये आपने यहाँ से निकाल लिया, और ये ऑडियो जैक में जाएगा, ये ऑडियो जैक है अपना। ऑडियो जैक में तीन केबल रहते हैं, एक रहता है कॉमन आपका, और एक रहेगा राइट का, एक रहेगा लेफ्ट का साउंड का, ठीक है, राइट साउंड का, लेफ्ट साउंड का, और एक कॉमन वायर रहेगा। तो कॉमन वायर को आपको बीच में कनेक्ट कर देना है, और लेफ्ट राइट को लेफ्ट राइट में कनेक्ट कर देना है, ओके। तो अब आपका होगा ये कनेक्शन के हिसाब से, यहाँ से आप जैसे पावर देंगे इसको, आप कंप्यूटर या मोबाइल कहीं से भी कनेक्ट करिए, तो ये आपका फर्स्ट सोर्स ये हो गया। सेकंड सोर्स आपका हो गया ये ब्लूटूथ।
आपका फर्स्ट सोर्स से भी साउंड बजेगा इसी स्पीकर में और सेकंड सोर्स से भी इसी स्पीकर में बजेगा। और स्पीकर का कनेक्शन सिंपल है, कुछ भी नहीं है। जो स्पीकर का जो साउंड है ये मिलेगा आपको मॉड्यूल से। ओके, स्पीकर मॉड्यूल जो था यहाँ पे दो होगा, एक लेफ्ट एक राइट का, दोनों का साउंड जो है ये आप देख सकते हैं। स्पीकर में प्लस माइनस कुछ भी नहीं होता, कुछ भी आप जोड़ सकते हैं। ये दोनों को आप स्पीकर के साथ कनेक्ट कर दीजिए। स्पीकर में प्लस माइनस कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओनली पावर पे है, जो पावर में प्लस माइनस का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, वरना सर्किट जो है ब्रेक हो सकता है, ख़राब हो सकता है। तो स्पीकर ये अपना कनेक्ट हो गया, स्पीकर यहाँ से अपना हो गया LTR का जो कनेक्शन था अपना ऑडियो जैक पे आ गया। तो अब यहाँ से अपना होगा क्या, अपन यहाँ से भी सोर्स देंगे और एक सोर्स ब्लूटूथ से देंगे। तो अपन का दो जो दोनों का मतलब कि एक अपन एक मोबाइल से ऑडियो जैक से बजाएं और दूसरे मोबाइल से ब्लूटूथ से बजाएं। ओके, इससे हम ऑडियो जैक से बजा रहे हैं, इससे ब्लूटूथ से बजा रहे हैं, तो दोनों की आवाज़ इस स्पीकर में आएगी। ठीक है, इस स्पीकर से आप दोनों की आवाज़ ले सकते हैं। अगर आप किसी पे जस्ट समझ लीजिए, आपका ये स्पीकर जो है इसमें अपने को फ़ायदा क्या होगा मैं वो आपको बता दूँ। ये आपका जो स्पीकर है आप इसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किए हैं। ठीक है, बाय द वे आपको अगर कंप्यूटर से बजाना है आप कंप्यूटर से बजा सकते हैं। अगर आपको बिना कंप्यूटर से केबल खोले आपको अगर फ़ोन से बजाना है तो आप ब्लूटूथ का यूज़ कर सकते हैं। स्पीकर पे आप जो ऑडियो जैक स्पीकर आपका उस पर लगे रहेगा कंप्यूटर में, उससे आपको कोई भी मतलब नहीं है। ओनली ब्लूटूथ से आप कनेक्ट कर दीजिए, आपका ब्लूटूथ से भी बजेगा, ऑडियो जैक से बजेगा, तो आपको ये फ़ायदा इस पर मिल पाएगा। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ये अपना प्लस माइनस हो गया, ये RTR का कनेक्शन हो गया, ये भी RTR का हो गया, और ये प्लस माइनस पावर का है। ठीक है, ओके, मेरी बात को आप ध्यान रखना, मैं क्या बोल रहा हूँ ना ध्यान से सुनना। ये आपका क्या हो गया, साउंड किट हो गया, और ये आपका हो गया ब्लूटूथ किट। ठीक है, तो दोनों पे क्या है, एक डायरेक्शन पे RTR और 5 वोल्ट पावर दोनों पे है। ठीक है, दोनों साइड पे एक एक साइड पे, दोनों को एक ऐसे साइड पे मिलाना कि दोनों वायर आपको दिखे। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ब्लूटूथ का RTR है, RTR दिख रहा है, ब्लूटूथ का RTR, और ये साउंड बॉक्स का भी RTR दिख रहा है। ब्लूटूथ का 5 वोल्ट पावर प्लस माइनस दिख रहा है, और साउंड किट का भी प्लस माइनस दिख रहा है 5 वोल्ट का। ठीक है, ये दोनों पास में ही रहे ताकि वायर का केबल का झंझट ना हो, डायरेक्ट हम यहीं से कनेक्ट कर करके मैं काम कर सकूँ। आपके लिए हम बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो को सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि आप बड़े लोगों को तो सपोर्ट कर देते हैं और जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है उनको सपोर्ट नहीं करते। चलिए, तो इसको पहले अपन सोल्डिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। तो हमने इसको अच्छे तरीके से सोल्डिंग कर लिया है, देख सकते हैं आप, दिख रहे हैं आपको सोल्डिंग, देख सकते हैं। तो ऊपर वाले से छोटे छोटे वायर से हमने सारे को कनेक्ट कर लिया है पैरेलल में। ओके, ऐसे आपको भी कनेक्ट करना है। इसको कनेक्ट करने के बाद आगे मैं बताता हूँ। अपने को प्लस माइनस के अकॉर्डिंग, ये वाइट वाला प्लस है, ब्लैक वाला माइनस है। प्लस माइनस के अकॉर्डिंग अपन ये यूएसबी का जो मैंने आपको बताया था यूएसबी का, इसके वायर पे जोड़ लेंगे। ओके, कोई फेक वीडियो नहीं है, आप ये मत बोलिएगा फेक वीडियो है, मैंने खुद ट्राई किया है, आपको लाइव दिखाऊंगा बजा के भी, तो आप भी इसको घर में बना सकते हैं, 100% वर्किंग मेथड है। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपका भाई की तरह आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करें, या फिर कुछ नया इन्वेंशन करना हो तो भी कमेंट करें। देख सकते हैं ये कनेक्ट हो गया, मैं इसमें ऑडियो जैक का कनेक्शन करूँगा। पहले हम स्पीकर को जोड़ लेते हैं, स्पीकर का कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए, ये हमारा जुड़ गया। ओके, अब स्पीकर का जुड़ गया। अब स्पीकर को जोड़ने के बाद पहले अपन इसका टेस्टिंग कर लेते हैं। ये देखिए, ये पावर ऑन हो गया। चलिए, पावर ऑन हो गया मतलब कि ट्रायड सक्सेसफुल है। ठीक है, अब इसके बाद अपन कनेक्ट करते हैं इसमें जो है ऑडियो जैक। ठीक है, दूसरा सोर्स ऑडियो जैक है, तो हम अब इसको कनेक्ट करते हैं ऑडियो जैक को। ऑडियो जैक को कनेक्ट करने के लिए ऑडियो जैक का कनेक्शन LTR पे आप कर देंगे, वो रेड वाला देख रहे हैं। चलिए, हम इसको सेटअप कर लेते हैं अपने बॉक्स में।
अब इसको अपन असेंबल करते हैं। असेंबल करने के लिए ये सेफ हो गया, अब अपन इधर से इसको क्रॉस कर देते हैं। क्रॉस कर देते हैं और वहाँ पे जो अपन गांठ मारे थे वो अच्छी तरीके से वहाँ बन गया है। टच करने के बाद इसको सिस्टम को अंदर डाल देते हैं और अपना ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप किसी भी कार्डबोर्ड या कार्टून या फिर किसी भी बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है आप ये कोई सा भी बॉक्स आप ले सकते हैं। ये अपना रेडी हो गया। ठीक है, इसको अपन बाहर से ये बॉक्स लगा देखते हैं, देख सकते हैं कितना ही अच्छा दिखता है। नीचे से दो वायर निकले हैं बस मात्र, और अच्छा अभी लास्ट है इसे ट्राई करने के लिए इसमें दो केबल है, एक केबल है पावर देने का, एक केबल है ऑडियो इनपुट का और दूसरा सोर्स है। और अपन क्या अब USB से पावर दे देते हैं। ये देख सकते हैं PC बॉक्स का USB है, अब इसको ये पावर दे देते हैं अपन। पावर ऑन, देख सक रहे हैं पावर ऑन हो गया। अब पावर ऑन हो गया, अब क्या क्रिकेट चल रहा है। ओके, ये समझ लीजिए पे कर दिया। अब देख सकते हैं ये आवाज़ मेरे स्पीकर में आ रहा है और जो पहले गाना बज रहा है साउंड को पहले ही बंद कर दिया। मेरे को ऐसा लग रहा है कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, इसीलिए साउंड को मैंने बंद कर दिया। बाकी काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा है, पहले मैं आपको बजा के दिखा दिया हूँ। अच्छा, अभी तक अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया कर दिएगा, क्योंकि हम वीडियो आपके लिए बड़ी मेहनत से बनाते हैं। तो बिना सोचे सबसे आप सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए और लाइक भी कर दीजिए और हमें सपोर्ट करिए, हम जैसे लोगों को सपोर्ट करिए और हमारा वीडियो पब्लिक के लोगों तक पहुँचाइए।